हेलो चिल्ड्रंस, नागेश करजगी ऑर्किड की तरफ से आप सभी चिल्ड्रंस का स्वागत है। मैं अनवर सर, हम आज आपको कुछ सालसा के स्टेप्स, कुछ मून वॉक, जैसे मून वॉक रहता है, ये स्टेप्स, ब्रेकिंग के स्टेप्स, ब्रेक डांस के स्टेप्स, सालसा स्टेप्स, बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स आज आपको कुछ बताए जाएंगे, तो वो सीख लेना आप, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको सालसा के स्टेप्स जो होते हैं वो एक पार्टनर के साथ किया जाता है। ऐसे स्टेप्स अपने स्कूल में तो बहुत सारे डांसेस होते भी हैं जिसे वॉल्ट्स बोलेंगे हम, वॉल्ट्स के भी स्टेप्स, जैसे विनीज वॉल्ट्स है, विनीज वॉल्ट्स, वॉल्ट्स बोलते हैं जो कपल डांस के अंदर, कपल्स के अंदर होते हैं, डुएट डांस होता है ये, दोनों कपल्स के अंदर या ग्रुप में भी किया जा सकता है इसको। ऐसे उसके जो स्टेप्स है वो बेसिक्स मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहला आप ये स्टेप देख ले, सबसे पहला बाजू में, यानी 1 2 3 काउंटिंग नोटेशंस कैसे है उसके, 1 2 3 वन फ्री, 1 2 3 वन फ्री, वन फ्री मीन्स वन लेग फ्री। तो ये स्टेप बेसिक आने के बाद ही आपको वॉल्ट्स के स्टेप्स, ओरिजिनल वॉल्ट्स जो अमेरिका में किया जाता है वो आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम पहला 1 2 3 उसका बेसिक देख लेना, यस, ये 1 2 3 वन फ्री, 1 2 3 वन लेग फ्री, वन लेग फ्री, जो भी 1 2 3 वन फ्री, जैसे कि मैं बाजू में आपके हट रहा हूं, जैसे कि 1 2 3 लेग अप, फिर बाजू में रखो इसको, 1 2 3 फिर ये पैर को बाजू में रखना है, जो लेग फ्री होता है उसको बाजू की तरफ रखना है, जैसे कि हमने पहले यहाँ से बताया 1 2 3 वन फ्री, 1 2 3 वन फ्री, वन लेग फ्री। फिर से देख लो, 1 2 3 वन फ्री, 1 2 3 वन फ्री, ओके। अब इसको थोड़ा सा अपने टोस के ऊपर करना है आपको, ऐसा हिल्स को पीछे की तरफ से उठाओ, अब यहाँ से बाजू में आपको जाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वन फ्री। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टेप, आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट स्टेप है लेकिन ऐसा नहीं है। और इससे आप क्या करेंगे, 1 2 3 जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाओगे तो आपके जो मूवमेंट्स हैं वो इस तरीके से होंगे, 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस, सस्पेंशंस लाइक दिस, है ना, इस तरीके से आपके हील ऐसे ऊपर नीचे की तरफ होना चाहिए, जैसे ठीक है, अब यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ से जाओ तो भी वही आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अब थोड़ी समझिए, लाइक दिस, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अब यहाँ से समझ लो हम अपनी पार्टनर के साथ डांस कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने हाथ पकड़ लिया लाइक दिस, उसके बैक साइड में एक हाथ रख लिया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मेरे साथ कोई, मेरी पार्टनर एक डांस कर रही है, मैं आप ये हाथ उसका, अपना राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड, और हाथ में आप लाइक दिस इस तरीके से पकड़ो, ऐसे दोनों के थंब ऊपर की तरफ होना चाहिए ऐसे, ठीक है। आपने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ उसके यहाँ से ये साइड में, ठीक है, ये पीछे और ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं स्टेप कर रहा हूँ, वही स्टेप जो हमने आपको बताया था अभी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके, लाइक दिस। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, यस, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3
2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 3 लाइक दिस. इस तरीके से आपका स्टेप कंप्लीट हो जाए, जिसको हम बोलेंगे विनीज वॉल्ट्स. विनीज वॉल्ट्स ओके. यहां से आप अपोजिट डायरेक्शन में भी घूम सकते हो और बहुत ज्यादा स्पेस भी लेके घूम सकते हो अगर आपकी ठीक है. ये 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 आपका एल्बो ऊपर की तरफ हैंड एंड लाइक दिस ओके. इस तरीके से आप ये वॉल्ट्स का स्टेप सीख सकते हो. नाउ साल्सा के स्टेप्स अभी ध्यान में रखें. वॉल्ट्स में भी बहुत सारे स्टेप्स है. यहाँ से ये हो गया, इसको अलग अलग म्यूजिक पे अलग अलग स्लो वॉल्ट्स भी कर सकते हो, फास्ट विनीज वॉल्ट्स भी कर सकते हो. अब इसके बाद नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ से हम बता रहे हैं साल्सा के कुछ स्टेप्स लाइक दिस. हैंड को आप फिराओ इस तरीके से, अपनी पार्टनर का हाथ, अपनी पार्टनर और उसका हाथ थंब उसके हाथों के ऊपर रखना है आपको एंड लाइक दिस एंड हाथ को इस तरीके से घुमाना है आपको ऐसे, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है. अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 थोड़ा सा वेस्ट को सामने की बाजू में 1 and 2 3 and 4 1 and 2 3 and 4 सिर्फ हाथ घूम रहे ऐसा नहीं है. अपने सामने एक पार्टनर है, वो पार्टनर का आपको हाथ पकड़ना है. हाँ, उसके साथ आपको करना है. आप घर पे अपने भाई के साथ, अपने सिस्टर के साथ, मम्मी के साथ, किसी के भी साथ आप स्टेप्स कर सकते हो ये स्टेप्स ओके. फिर से देखो लाइक दिस 1 and 2 3 and 4 1 and 2 3 and 4 ये स्टेप इस तरीके से किया जाता है. अब इसको और एक तरीका है करने का लाइक दिस. दोनों अपने पाम, अपने पार्टनर्स और हम लाइक दिस ओके. दोनों ने टच किया. अब यहाँ से जो गर्ल पार्टनर है वो पहले पीछे की तरफ जाएगी, जो बॉय पार्टनर है वो पहले आगे की तरफ जाएगा लाइक दिस 1 and 2 then 3 and 4 1 and 2 3 and 4 1 and 2 3 and 4 ये स्टेप आप अपने घर पे अपने सिस्टर या ब्रदर के साथ ये डांस कर सकते हो. कोई भी म्यूजिक लगाओ, कोई भी म्यूजिक के ऊपर ये मैच करके आप स्टेप्स कर सकते हो. इसका तीसरा स्टेप है यहाँ से देखो ध्यान में क्या, जैसे कि अपने हाथ पार्टनर्स के हाथ में उसको एक जड़ करना लाइक दिस 1 and 2 हैंड्स ये हाथ 1 इस तरीके से. गर्ल पार्टनर का भी हाथ इसी तरीके से आगे जाएगा राइट हैंड, और जैसे मैं ये डायरेक्शन में बताऊं सेम यहां से लाइक दिस इस तरीके से ठीक है. अब यहां से अगर ये सारे स्टेप्स, अगर गर्ल पार्टनर यहां से अगर ये स्टेप कर रही है तो पहले वो पीछे की तरफ जाएगी लाइक दिस. ये 1 and 2 3 and 4 1 and 2 3 and 4 इसी तरीके से ये जो स्टेप हमने बताया जो गर्ल पार्टनर है वो पहले पीछे की तरफ जाएगी लाइक दिस 1 and 2 3 and 4 अगर बॉय अगर कर रहा तो वो इस तरीके से 1 and 2 3 and 4 इसके बाद हमने बताया ये स्टेप जैसे कि 1 and 2 3 and 4 और यहाँ से आप देखेंगे 1 and 2 then 3 and 4 अब हमने आपको तीसरा नंबर स्टेप बताया लाइक दिस 1 and 2 3 and 4 हैंड्स अपने हाथ में, एक हाथ अपनी पार्टनर का छोड़ना है लाइक दिस 1 and 2 फिर हाथ पकड़ना है, फिर दूसरा स्टेप करना 3 and 4 अगर गर्ल कर रही है तो यहाँ से बताएंगे इस तरीके से 1 and 2 and 3 and 4 ये गर्ल के स्टेप. स्टेप तो दोनों सेम ही रहेंगे, हैंड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे. अगर फर्स्ट बॉय का हैंड
लेफ्ट हैंड जा रहा है तो गर्ल पार्टनर का हैंड राइट हैंड है, लाइक दिस, ओके, वन एंड टू थ्री एंड फोर. थोड़ा सा स्टाइल में करना हैंड्स को, लेग मूवमेंट देखो, यहाँ से आप कर रहे हो वन, मैंने तो उसके ऊपर रखा है ये पैर, ओके, वन हैंड्स फिंगर्स, वन एंड टू, देन थ्री एंड फोर, ओके, डन. ये होते हैं साल्सा के स्टेप्स. और यस, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अपनी पार्टनर का हाथ पकड़ा है आपने और इस तरफ से आप लोग साइड में जाना है आपको. थोड़ा सा स्टेप आप आगे भी कर सकते हो, यहाँ से आप हाथ पकड़ा है और कोई म्यूजिक चल रही है तो यहाँ से ये वन एंड टू थ्री एंड फोर, सेम स्टेप चलना टुगेदर, ओके, गर्ल पार्टनर एंड बॉय पार्टनर. यस, ये वन एंड टू थ्री एंड फोर, वन एंड टू थ्री एंड फोर, इसी तरीके से और साइड वाले स्टेप से. देन बहुत सारे ऐसे तो फिर वो जैसे कि घुमाया हमने ऐसे, अगर आपको समझता है घर पे तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं बताता हूँ आपको. यहाँ से देखो हमने किया ये स्टेप, और एक भी स्टेप है ये, इस तरीके से आपको पकड़ना है, देन लाइक दिस, वन एंड टू थ्री एंड फोर, वन एंड टू थ्री एंड फोर. अब मैं घुमा रहा हूँ गर्ल पार्टनर को, फाइव एंड सिक्स, मतलब उसको हमने इस तरीके से घुमाया, गर्ल पार्टनर अपनी हाथ पकड़ी, फाइव एंड सिक्स. मैं जैसे घुमा रहा हूँ जैसे कि फाइव एंड सिक्स, फिर वो अपनी जगह पे आ गई, फिर उसको मैंने यहाँ से यस वन एंड टू, यहाँ से एक पीछे हाथ रखना है यहाँ पे अपना. अब जैसे कि घुमा रहा हूँ मैं, वन गर्ल पार्टनर पीछे आ गई, यहाँ से उसका हाथ पकड़ मैंने यहाँ और इस तरफ से घुमा के इस बाजू में ला. अगर आपको ये सब समझता है तो आप घर में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत बार हमने शायद स्कूल में भी किया होगा, ओके. हाँ तो चिल्ड्रंस, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ से जैसे कि अपने पार्टनर का हाथ पकड़ा है आपने, पार्टनर का हाथ हैंड पकड़ के भी कर सकते हो, विदाउट हैंड भी आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ से ध्यान में रखें, ये वन एंड फिर टू एंड थ्री एंड फोर, फिर से देख लो, बैक बैक एंड साइड, फ्रंट एंड साइड, बैक एंड साइड, फ्रंट एंड साइड, एंड देन लाइक दिस, वन एंड टू देन थ्री एंड फोर, देन अगेन वन टाइम, बैक एंड साइड, फ्रंट एंड साइड, बैक एंड साइड, फ्रंट एंड साइड. ये करते समय बात ध्यान में रखें, आप ये स्टेप करते समय थोड़ा सा आपको बैक जो शोल्डर है वो जो पोजीशन है वो आप ऐसे ही रखोगे इस तरीके से, ठीक है. ये बैक एंड फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, फ्रंट में ध्यान में रखें आप, बैक एंड साइड. अब अगर इसको अगर फास्ट करना है तो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, फ्रंट एंड स्टॉप, बैक एंड स्टॉप, देन फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट, एक सॉरी यस ओके, फिर से देख लो, या बैक एंड साइड, फ्रंट एंड साइड, बैक एंड साइड, फ्रंट एंड स्टॉप. फिर यहाँ से आप एक स्टेप आगे की तरफ लेना है, पैर को आगे की तरफ लेके फिर स्टॉप करना है, एंड देन ये पैर पीछे की तरफ आएगा. फिर से देख लो आप रेडी, यहाँ से कंटिन्यूसली स्टेप कैसा होता है, जैसे कि पार्टनर अपने साथ में, जिसके वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, फ्रंट एंड स्टॉप, बैक एंड स्टॉप, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, फ्रंट एंड स्टॉप, बैक एंड स्टॉप. ये होता है ये वाला स्टेप. अब इसके पहले और एक आपको मैंने बोला था कि मून वॉक बताना है ना, मून वॉक हो या फिर स्केटिंग हो, जैसे कि इस तरीके से ये स्टेप होते हैं, जैसा वन इसको पीछे की तरफ खींचना है, वन एंड टू, ओके, दोनों पैर सीधे रखो सामने,
यहां से फ्रंट में, ठीक है, वन एंड टू, वन एंड टू. अब इसको कंटिन्यूअसली करना, जैसे कि वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, लाइक दिस. ओके, ये वो. नाउ नेक्स्ट, इसी से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि वन स्लाइडिंग करो, फिर ये टू, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, फाइव एंड सिक्स एंड सेवन, थोड़ा सा पैर रखें, फिर उसको स्केट करना. ओके, डन.